नहीं तो अभी के अगले पार्ट में हम, ठीक है ना, पिछले पार्ट में आपका ए इनवर्स का हमने बता दिया था कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला हमने बताया था, उस पर क्वेश्चन भी करा था, हमने बताया था कि ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा बी डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब होता क्या है कि अब आपको देखिए, चूंकि सारणिक और अवयव का विस्तार ना हुआ था रैखिक समीकरणों के सॉल्यूशन के लिए, माने कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए, रैखिक समीकरणों के हल के लिए किसका विस्तार हुआ था, सारणिक और अवयव का, ठीक है। अब समझिए तो आपको यहाँ पे क्या बोलेगा कि सबसे पहले देखिए नंबर कितने का आता है, तो 8 नंबर के एक ही क्वेश्चन आता है, आप 12 में हो चाहे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में हो, तीन दोनों में आपका 8 नंबर में क्वेश्चन एक ही पूछेगा और एक ही क्वेश्चन 8 नंबर में आएगा, तो बिल्कुल एकदम इसको तो एकदम छोड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। समझिएगा, आपको क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, सीधा सीधा 3 इक्वेशन दे देगा आपको, ठीक है ना, 3 इक्वेशन दे सकता है चाहे 2 इक्वेशन देगा, अगर 8 नंबर में पूछेगा तो 3 समीकरण देगा, ठीक, बोल देगा कि हमको रैखिक समीकरण 3 है, जिसे आप सॉल्व करते हैं कि x plus y plus z बराबर 4, x minus y minus z बराबर 3, ऐसे ही 2x plus 3y बराबर z, तो इसमें बोल देते हैं कि x और y और z का मान निकालिए, तो आप 8-9 में पढ़े होंगे कि समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से चाहे जीव्स विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक। लेकिन हमको अभी यहाँ पे क्या करना है कि बोलेगा कि अवयव विधि से सॉल्व करिए, अब कहीं ना कहीं अगर हमको अवयव विधि से सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं उसमें अवयव की बात होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो समझिएगा करते क्या है, सबसे पहले कि हम एक अवयव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अवयव बनाते हैं, जितने एक्स वाई और जेड के गुणांक है कितना है, ए वन है, तो ये हो जाएगा ए वन, ये कितना है बी वन है, ये कितना है आपका सी वन, ठीक, ऐसे ही बोलिएगा ए टू बी टू और ये कितना हो जाएगा सी टू, ऐसे ही कितना हो जाएगा ए थ्री बी थ्री और ये कितना हो जाएगा सी थ्री, ठीक है। डिप्लोमा में एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, क्या बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, समझिएगा समझिएगा भाई, अगर हम यहाँ पे और डी वन डी टू को ऐसे लिख देते हैं, डी वन डी टू और क्या बोलते हैं डी थ्री, एक हमने अवयव बनाया, जितने कांस्टेंट टर्म थे अचर पद थे सबको मिला करके एक हमने अवयव बना लिया, ठीक, समझिए हेजर से हेजर लेके बाबू जो अवयव बनेगा ना इसको बोलते हैं गुणांक अवयव, गुणांक अवयव अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, कोफिशियंट मैट्रिक्स, एकदम आराम आराम से आपको समझना है, समझिएगा कोफिशियंट मैट्रिक्स, ठीक, हेजर से हेजर तक जो टोटल अवयव बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड अवयव, आगे चल के हमको इसका काम लगेगा, इसलिए कहानी यही को समझा दे रहे हैं, क्योंकि जब आप वहां पर रैंक वैंक निकालते हैं पहले हम इंटर प्रमेय यूज करते हैं तो वहां पर इसका प्रयोग होगा, ठीक है ना। हमने बोला कि इस बस छोटुआ को क्या बोलेंगे, गुणांक का व्यू, और बड़ुआ को बोलेंगे क्या बोलेंगे, ऑगमेंटेड अवयव, समझिए गुणांक का व्यू को अगर लिखना चाहे तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो ए वन बी वन और ये कितना हो जाएगा सी वन, ए टू बी टू और सी टू, ए थ्री बी थ्री और ये क्या हो जाएगा सी थ्री, ऑगमेंटेड अवयव क्या कहलाएगा पूरा समझिएगा। अगर हम इस कांस्टेंट टर्म को लिखना चाहें जो डी वन डी टू डी थ्री दिख रहे हैं ये वाले, तो इसको हम दूसरे अवयव बी से दिखाते हैं और कितना हो जाएगा आपका डी वन डी टू और ये कितना हो जाता है डी थ्री, कहानी समझिएगा। कहेंगे कि जो एक्स वाई जेड था इसको भी किसी टर्म से दिखा रहे होंगे ना, तो हम एक्स से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं एक्स से, एक्स वाई और ये कितना हो जाता है जेड, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने बोला कि जो भी ए वन बी वन सी वन एक्स वाई जेड के गुणांक थे उसको ए से बोलते हैं गुणांक का व्यू, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कांस्टेंट टर्म था उसको बी से, और जो एक्स वाई जेड था उसको कैसे दिखाते हैं वो अभी एक्स वाई जेड से। इसका मतलब कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि देखिएगा इतना आई इन टू, समझिएगा अगर हम बोले कि इसका लिखना चाहे मान, तो ए एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं बी के, कैसे लिख देंगे बोलिएगा, ए का मान किसके बराबर है, ए का मान जब आप ये लिखेंगे समझिएगा ए और ये कितना है एक्स वाला है ना, जब इस ए वन का एक्स में गुणा होगा तो देखिएगा कितना हो जाएगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई और प्लस सी वन जेड बराबर किसके हो जाएगा डी वन के, बी का मान इसी के बराबर ना, डी वन के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे ही बोलेगा इसका गुणा होगा तो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू जेड बराबर किसके हो जाएगा डी टू के, और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर किसके हो जाएगा डी थ्री के, ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, इसका मतलब कि ए एक्स बराबर हम भी लिख सकते हैं, समझिए हमको कोई भी इक्वेशन देगा तो हम सबसे पहले किस रूप में लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी के रूप में, ठीक। अब हमको क्या करना है कि भाई हमको देखिए एक्स वाई जेड का मान निकालना है, मैंने हमको ए का मान निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कराने, ए इनवर्स से क्या करना है, गुणा कराना। बोलिए हेजा कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए और इंटू कितना है एक्स, इन्हें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। बोलिएगा किसी भी संख्या में अगर उसके इनवर्स से गुणा होता है तो कितना हो जाता है, एक्स गुणे वन बटा एक्स और करके कितना मान लेता है वन के, ठीक है। तो अगर हम इसी प्रकार ए इनवर्स इंटू ए के बार गुणा कराएंगे तो वन नहीं आएगा, समझिएगा वन जो आएगा वो इकाई अवयव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अवयव का अंक कोई मान नहीं होता है, अवयव का रिप्रेजेंटेशन होता है और उसको कैसे दिखाते हैं आई से। तो आई का बदले वन का किसी भी संख्या में गुणा कराते उतना ही हो जाता है, तो आई का एक्स में गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा एक्स, और हेजा से कितना मिल जाएगा ए इनवर्स। कहानी समझिए, एक्स का मान हमने कितना माना है, एक्स का मान जो मान है एक्स वाई और ये कितना माने हैं जेड के, ठीक है। जब ए इनवर्स निकाल के बी से गुणा करा देंगे तो कुछ मान आ जाएगा, मान लगे एन एन और ये कितना आ जाता है पी, ठीक। अब तुलना करते हैं, क्या करते हैं लास्ट में तुलना, एक्स बराबर कितना हो जाएगा एम, वाई बराबर एन और जेड बराबर कितना हो जाएगा पी। तो ये लिखेंगे एक्स बराबर एम, वाई बराबर एन और जेड बराबर कितना आ जाएगा पी, और यही हमारा एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा मान। कहानी अभी आपको नहीं समझ में आई होगी, अगर थोड़ा सा भी थ्योरी 5% भी आपको समझ में आया क्वेश्चन से 100% कर देंगे, ठीक है। तो थ्योरी को थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इतना लिखिए और उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन बताते हैं उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 8 नंबर में आता है इतना दिमाग में आपको बैठना चाहिए, तो क्वेश्चन ले नोट करिए वीडियो। तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड बराबर वन, एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री जेड बराबर जीरो और एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड बराबर टू। बोला है कि एक्स वाई जेड का मान किससे निकालिएगा, अभी विधि से निकालिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, किस रूप में लिखते हैं, ए एक्स बराबर किसके रूप में लिखते हैं बी के रूप में, ए का मान बोलिए किसके बराबर हो जाएगा, तो गुणांक लिखते हैं ना, तो वन इसका गुणांक वन वन वन, तो तीनों का वन वन वन, इसमें कितना हो जाएगा तीन चार, ये कितना हो जाएगा तीन, इसमें कितना हो जाएगा तीन तीन और ये कितना हो जाएगा तीन। बोलिए एक्स वाई जेड, एक्स का मान किसके बराबर होता है एक्स वाई और ही जेड, अब बी का मान किसके बराबर होता है डी वन डी टू डी थ्री माने कांस्टेंट वन जीरो और ये कितना हो जाएगा टू। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, अगर हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना तो यहाँ से क्या होता है कि एक्स बराबर ए इनवर्स, अभी निकाले थे हम कितना आया था इंटू बी, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमको ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा, ये किसके बराबर हो गया ए के बराबर, ये किसके बराबर हो गया x और ये किसके हो गया b, तो a का इनवर्स हमको निकालना पड़ेगा, आगे बात समझे। तो a का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले a इक्वल टू कितना हो गया, हमने इनवर्स एक बार और आपको बता दे रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आया होगा शायद 133 143 143 ध्यान दीजिए 133। बोलिए a इनवर्स का फार्मूला किसके बराबर होता है, सर नहीं दिख रहा, a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a बटा डिटर्मिनेंट आर ए। तो सबसे पहले सारणिक निकाल लेना, सारणिक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको सारणिक में लिखेंगे कितना हो जाएगा 133 143 133 143, तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। पहले बोलिएगा वन तो ये लेंगे तो ये कॉमन फिर ये कॉमन, तीन चौका 12 माइनस तीन तीन का 9, पहला प्लस लेते हैं दूसरा क्या हो जाएगा माइनस तीन, देखिए इस कॉलम में है इस रो में है तो तीन एक में तीन माइनस एक तीन तीन, ठीक है। और प्लस अगला क्या लेंगे तीन, तो बोलिएगा हाई कामन फिर एक कामन, तीन एक में तीन माइनस छः, ठीक। सॉल्व करेंगे तो 12 में से 9 घटाएंगे तीन ये तो जीरो हो जाएगा, और तीन में 4 घटेंगे माइनस वन, माइनस वन का तीन में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा तीन, और तीन बार कितना तीन माइनस तीन कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। जब साड़ी के कामन जीरो हो गया तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, मिस्टेक हमारा, ठीक है। वन तीन चौके 12 माइनस 9, ठीक है तीन ये कॉमन फिर एक तीन एक तीन एक तीन तीन सही है, तीन लेंगे तो ये कॉमन फिर तीन तीन माइनस छः, बड़ा उसमें बढ़ेंगे तीन तीन में माइनस कितना आ गया जीरो, समझिए। जब सारणी का मान जीरो आ गया, जब भैया जीरो हो गया तो जीरो से भाग करेंगे तो कुछ आएगा इन्फाइनाइट आ जाएगा ना, इसका मतलब कि इसका मान नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो लिखेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझिएगा। और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तब इसका जब वही नहीं कुछ होएगा तो एक समीकरण का कुछ हल आएगा,
लिखेंगे कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अरे बस सुनिए, अब एक ऐसा हम क्वेश्चन लेते हैं जिसका ए इनवर्स निकालना पड़े, इस तौर तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये हो गया था, लेकिन हम यहाँ पे लिख देंगे ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक और लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, समझिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलिए ए एक्स बराबर बी के रूप में, ए एक्स बराबर बी, और यहाँ से एक्स का मान निकालते हैं तो किसके बराबर होता है, ए इनवर्स इंटू बी। बोलिएगा ए का मान किसके बराबर हो जाए, गुणांक के लिख लीजिए 2 1 3, इसका गुणांक कितना होगा 1 माइनस 2 और कितना हो जाएगा 2, इसका गुणांक कितना होगा 1 माइनस 3 और कितना हो जाएगा 6। ठीक है, एक्स का मान बोलिए एक्स वाई जेड, बी का मान किसके बराबर होगा कंस्टेंट 1 1, कितना हो गया 5। ठीक, हमको इसका ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, ये तो एक्स आई है और ये क्या है आपका बी। ठीक, क्योंकि हमको ए इनवर्स का मान पुट करेंगे तभी तो एक्स का मान आएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए ए का मान पहले लिख लेते हैं 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 3 3 2 कितना हो गया 4। ठीक, समझिए ए इनवर्स का फार्मूला कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, हमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या लिखेंगे, इसको सारणिक में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 3 3 2 4, बोले कितना हो जाएगा 2, तो ये कॉमन फिर ये कॉमन, 4 दुनिया -8, बीच में माइनस 2 3 है, माइनस 6 करेंगे तो +6, अगला माइनस लेते हैं -1, ये कॉमन फिर ये कॉमन, 4 1 में 4, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस 9, अगला क्या होता है +1, तो ये कॉमन फिर ये कॉमन, 2 1 में 2 और +3 दुनिया का 6। अरे बस हमने समझिए, 8 में 6 कटेंगे -2 दुनिया का -4, और 9 4 13 अब प्लस है 6 1 7 1 7, बोलिए 13 4 17 में 7 घटा देंगे -10। सारणिक में कोई दिक्कत, अब समझिए हमको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, और पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, ए का कोफैक्टर और उसका ट्रांसपोज। इसका मतलब कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए का कोफैक्टर। ए का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो एलिमेंट मानते हैं a11, अगर वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है देख सकते हैं, a21 a22 और a23, अगला क्या होगा a31 a32 और ये कितना होता है a33। ठीक है, सबसे पहले सबका मान निकालते हैं ना, तो बोलिए कितना हो जाएगा a11 बराबर, सबसे पहले 1 1 प्लस देगा तो कितना हो जाएगा प्लस। ठीक, a11 देखिए a11 इस रो में है, इस कॉलम में है, इस रो में है, ये 4 को बचेगा, 4 को ही बचेगा, 4 2 का -8, अब -8 अब प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, अब माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस। A12 का मान निकालेंगे तो A12 2 को 1 को 3 को होगा, -1 के पावर 3 करेंगे तो माइनस देगा। चलिए A12 देखिएगा, इस कॉलम में है, इस रो में, ये कॉमन फिर ये कॉमन, इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ, 4 1 में 4 और +3 3 9 9 4 कितना हो जाएगा 13। A13 का मान निकालेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा 3 1 4 प्लस देगा, ये कॉमन फिर ये कॉमन, इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ, 2 1 में 2 और +3 2 6 कितना हो जाएगा 6 2 8। अगला किसका मान निकालना है, A21 का, 2 को 1 को 3 को -1 के पावर 3 करेंगे तो माइनस देगा। चलिए A21 इस रो में है, इस कॉलम में, ये कॉमन फिर ये कॉमन, 2 ऊपर 2 नीचे 2 ऊपर 2, 4 1 में 4 -2 4 में 2 घटाएंगे तो अगला किसका मान निकालना है, A22 का, ये कॉमन और फिर ये कॉमन, ये कॉमन फिर ये कॉमन। ठीक है, ये खत्म और ये खत्म, तो 2 2 2 4 2 8 -3 8 में 3 घटाएंगे 5। अगला किसका मान निकालना है, A23 किस रो में है, इस रो में है और इस कॉलम में। ठीक है, 2 ही बचेगा 2 ही, तो 2 2 4 -3 4 में 3 घटाएंगे 1, 2 3 5 माइनस होगा ना, -1। अगला बोलिए A31 का मान प्लस देगा, हाई कॉमन फिर हाई कॉमन, 4 2 बचेगा -3 और प्लस कितना हो जाएगा 2 यानी -1। अगला A32 का मान माइनस देगा, और A32 का मतलब ये कॉमन फिर ये कॉमन, 4 2 बचेगा -3 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, A33 कितना होगा प्लस देगा, हाई कॉमन फिर ये कॉमन, 4 2 बचेगा देखिए -2 2 4 -1 -5। हम इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकाल रहे हैं क्योंकि हमने ए नोट्स बता रखा है, आप वहां पे देख लीजिए, आप भी इससे स्पीड निकालेंगे। ठीक है, समझिएगा, ए का कोफैक्टर का मान सबसे पहले रख दीजिए सबका, इसका मान कितना आ गया -2 -13 8 कितना है -2 5 -1,
माइनस वन चार, ये कितना होगा माइनस पांच। ठीक है, समझिए अगर हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो फार्मूला पता है कि ए का कोफैक्टर और उसका क्या निकालते हैं ट्रांसपोज। तो बोलिएगा ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को किसमें लिखते हैं कॉलम, माइनस टू माइनस तीन ये कितना होगा आठ, माइनस टू पाँच और माइनस वन ये कितना होगा माइनस वन चार और कितना होगा माइनस पाँच। ठीक है, जब एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकल गया तो ए इनवर्स का फार्मूला बोलिए, वीडियो आ रहा है कि तो बोलिएगा हमको एक समान निकालने के लिए कितना होता है एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स का मान कितना है माइनस एक बटा दस, ये कितना हो गया माइनस दो माइनस दो माइनस वन माइनस तेरह पाँच, ये कितना हो गया छः आठ माइनस वन और माइनस पाँच, और इंटू बी का मान बोलिए वन वन फाइव। माइनस एक बटा दस को बाहर रखिए, जब गुणा करेंगे तो कैसे माइनस दो का वन में गुणा होगा माइनस दो, माइनस दो का वन में गुणा होगा माइनस दो और माइनस वन का पाँच में गुणा होगा माइनस फाइव। ठीक है, ऐसे ही बोलेगा माइनस तेरह का वन में गुणा होगा तो माइनस तेरह, पाँच का वन में गुणा होगा तो प्लस पाँच, चार का पाँच में गुणा होगा तो प्लस बीस, ऐसे ही आठ का एक में गुणा होगा तो आठ, माइनस वन का वन में गुणा होगा तो माइनस वन और माइनस पाँच पचे माइनस पच्चीस। ठीक, सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, माइनस एक बटा दस ही पहले से है और ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए पाँच दो दो चार पाँच नौ माइनस नौ, अब बीस में से पाँच पच्चीस और पच्चीस में से तेरह घटाएंगे पाँच में से दो, दो में से एक तो कितना हो जाएगा पच्चीस में तेरह घटाएंगे तो तेरह में से पाँच गया आठ माइनस आठ और माइनस आठ प्लस बीस करेंगे तो माइनस बारह। ठीक है, भाई आठ और पच्चीस एक छब्बीस में से आठ घटाएंगे तो अठारह माइनस अठारह। ठीक है, अब इस माइनस दस से गुणा करा दीजिए, जब माइनस दस से भाग करेंगे हमें तो देखिए कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बना देगा नौ बटा दस, भाई कितना हो जाएगा बारह बटा दस यानी छः बटा कितना हो जाएगा पाँच, भाई करेंगे तो माइनस नौ बटा मैंने नौ बटा में किसका मान आ गया x, और बोलिएगा x का मान यहाँ पर रख सकते हैं x y और ये कितना हो गया j, तुलना करेंगे तो बोलिए x का मान कितना हो जाएगा नौ बटा दस, y का मान कितना हो जाएगा छः बटा पाँच और z का मान कितना हो जाएगा नौ बटा, यही हमारा क्या हो जाएगा x y z का मान। वीडियो नया नहीं है, चलिए थोड़ा समझिएगा, आठ नंबर में आएगा तो प्रोसेस तो बड़ा होता है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे गुणांक से तुलना करना एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं, ए का मान यहाँ पे हो गया एक्स का मान, एक्स का मान निकालते हैं ए इनवर्स भी होता है, ए इनवर्स हमको निकालना पड़ेगा ना, ए इनवर्स का सारा काम सारा खेला किसका है ए इनवर्स का। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के बाद ए इनवर्स हमने निकाल दिया आपको, ए इनवर्स निकालने के बाद हमें रखेंगे तो ए इनवर्स का मान है ए माइनस एक बटा दस इतना एंड बी का मान किसके बराबर है, इन दोनों का गुणा करा लेंगे और एक्स वाई जेड की तुलना कर लेंगे, एक्स का जो भी मान आएगा वाई जेड। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ तो इस पे एक वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ऑनलाइन पढ़ने में ही तो फायदा है कि दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, और नहीं अगर आएगा तो फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, उसी उत्साह और मन के साथ अगले मिनट अगले लेक्चर में आपको इससे अधिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है।